ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਛੱਡੇ। Hey guys, welcome back to my channel। तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में अभी वीडियो देखी काफी ज्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कैपकट ऐप को ओपन करना है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। और दोस्तों ये वर्क तभी करेगा जब आप टर्बो वीपीएन को कनेक्ट करोगे, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक ऐप मिल जाएगा जो कि टर्बो वीपीएन करके, ठीक है। ये वीपीएन है, इसका लिंक भी आपको दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले वीपीएन को कनेक्ट करना है, फिर कैपकट ऐप को ओपन करना है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। इफेक्ट वगैरह वर्क करेंगे इसके, ऐसे जो इफेक्ट वर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना इसके। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फोटो को सिलेक्ट करना है, हमने देख सकते हैं फोटो को सिलेक्ट कर लिए, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। सिंपल से मैंने फोटो ले ली है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपने नीचे साउंड भी ले लेना है, ठीक है। साउंड मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड मैंने लगा लिया, तो साउंड लगाने के लिए क्या करना है, आपने ऑडियो पे आना है, साउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने इस पे जाना है दूसरे ऑप्शन पे, और यहीं पे आपको फर्स्ट में मिल जाएगा, ठीक है, साउंड। तो ये कर लेना आप, और यहाँ पे आपने करना है एक दोनों फिंगर से आपने इसको जूम करना है पहले, तो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, दो यहाँ पे बीट लगानी है आपने। पहले आपने दोनों फिंगर से इसको करना है जूम, फुल्ली जूम करना है, ठीक है। तो देख सकते हो ऊपर आपको दिख रहा होगा 0.05 सेकेंड और 5 फीट, ठीक है। 5 फीट के नीचे आपने यहाँ पे कट लगा देना है, ठीक है, कट लग चुका है। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0.07 सेकेंड है, फिर 5 फीट है, फिर 10 फीट, 10 फीट के आगे आपने पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट को आपने यहाँ पे लगा देना है। पॉइंट दे दिख रहा है, उसके नीचे आपने कट लगा देना है, ठीक है। दो ही यहाँ पे कट लगाने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आप लोगों ने इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों ये मैं यहाँ पर ये वीडियो ले रहा हूँ जो कि शुरुआत में आपको दिखाई है, वीडियो आपने ले लेनी, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सीधे आपने वही इफेक्ट लगाने, ये वीडियो दोस्तों मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, आपने दोस्तों कहना है सबसे पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे शुरुआत में आपने यहाँ पे लगाना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर मिल जाएगा हालो ब्लर, ठीक है। ये हालो ब्लर ये आपने लगा देना है, यहाँ तक आपकी इसका लेंथ का साइज है, इंटेंसिटी पे क्लिक करना है, इसके लेंथ का साइज ये हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपने करना है जूम इन लगाना है, तो जूम इन लगाने के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे की फ्रेम पे टैप करना है, और यहाँ पे लास्ट में आपने आना है, ठीक है। पहले से इस पर क्लिक करके की फ्रेम पे टैप करना है, फिर यहाँ पे इसके लास्ट में आपने आना है, उसको थोड़ा सा जूम कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जूम इन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जूम यहाँ पर भी जूम इन करना है आपने, तो यहाँ पर करना जूम आउट, ठीक है। जूम आउट करने के लिए करना पीछे वाले पे, पहले तो आपने इसको थोड़ा जूम कर लेना है बिना की फ्रेमिंग किए हुए, फिर यहाँ पे शुरुआत में आना है, शुरुआत में की फ्रेम पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लास्ट में की फ्रेम पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसको आपने जूम आउट करना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जैसे जूम आउट हो रहा है ऑटोमेटिकली। और इसी में दोस्तों आपने एक इफेक्ट लगाना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, इन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपने लगा देना है, ठीक है। और इस पर थोड़ा सा लेंथ को साइज को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये। और फिर इससे इसको जूम इन करना है, तो जूम इन करने के लिए पहले देखना है यहाँ तक हमारा म्यूजिक है, यहीं तक रखेंगे, एक्स्ट्रा को कट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक करना है, फिर लास्ट में आके की फ्रेम पे क्लिक करना है, लेंथ के साइज़ को बढ़ा देना थोड़ा सा इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जूम इन भी हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखेंगे, ये पहला छोड़ के दूसरा वाला पे आपने क्लिक करना है, और लाइट पे आना है, और यहाँ पे लगा देना ब्लांच वाला, ठीक है, लेंथ 0.23 के अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप उसको लगा देना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो बन के कम्प्लीट हो गई है, एक बार आपको चला के दिखाता हूँ किस टाइप से हमारी वीडियो बन के आई दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग।
300 स्टेप से आप इसको बना सकते हो, बहुत सिंपल बनाना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है। तो स्टेप से आप बना लो दोस्तों। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है, आपने इस पर क्लिक कर देना है, दोनों को इसको यहाँ पे फुल करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, बगल वाले पे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।